वेलकम वेलकम वेलकम। हाय। नमस्ते चाची। हेलो। हेलो शीतल। हेलो अंकित। वाव, ये बंगलो कितना नया लग रहा है आज भी। ऐसा लगता ही नहीं कि 40 साल से बंद है। वो हमारा एजेंट है ना बलवंत, उसी ने सारी मरम्मत करवाई है। बेचारा पिछले 2 महीने से लगा पड़ा था। ये लो, आ गया बलवंत। मैडम 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 मैडम, माफ करती, मैं थोड़ा लेट होती हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। एक मिनट, ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे? मैं बोलती, वो कल तुम आती और मैं घर दिखाती, फोन करके आती है। जी बलवंत जी। हाँ जी। घर तो बहुत पसंद आया जी। फिर कब करना है डील? कल फोन करके आती और फिर ओके, जितना जल्दी हो सके कर देना। जी जी ओके ओके। आ जी शर्मा जी। इसका मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा इस बंगले में है। What rubbish? ऐसा कुछ नहीं होता। ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, ओके? होती है। भाग जाओ तुम सब लोग, भाग जाओ। इस हवेली में श्यामली का साया है, अगर कोई भी यहां रहा तो श्यामली उसे इस दुनिया में नहीं रहने देगी, सुना? शीतल बेटा, हम आज ही अपने एजेंट को कहते अपनी रिटर्न फ्लाइट बना देते, यहाँ से आज ही चलते बेटा। हम क्यों जाएंगे? आखिर देखिए तो सही कि इस घर में प्रॉब्लम क्या है, खासकर श्यामली दादी के कमरे में। वाओ, क्या रूम है। ब्यूटीफुल। यहाँ की हर चीज कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल मेरी दादी जी की तरह। सही कहा, इसीलिए तो अंकल भी यही चाहते थे कि श्यामली दादी का कमरा जैसा उनके टाइम पर था, सब चीज वैसे ही रहे। इसीलिए देखो, किसी एक भी चीज को इधर से उधर नहीं किया गया, सब वैसा का वैसा। हाँ, बोले तो सब खरीदारों को यही बात अच्छी लगती, खासकर ये कमरे। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो भी इस कमरे को देखती वो पलट के वापस क्यों नहीं आती? अरे आएगा भी कैसे, क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ था अगर किसी को भी पता चल जाए
तो उस इंसान को तो हार्ट अटैक किया जाए। चाची जी, आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बोलती रहती हैं? यहाँ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, एन एक्सीडेंट, डू यू अंडरस्टैंड? मैं मानती हूँ बेटा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था, बट वो कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था। तुम्हारे चाचा जी ने मुझे सब कुछ बताया था। ऐसा क्या हुआ था चाची? उस दिन तुम्हारी दादी ने उसके कपड़े, उसकी तस्वीरें, तस्वीरें भी रखनी है। हाँ, तस्वीरें भी रखनी है। अरे जल्दी करो। हाँ हाँ हाँ। वो कभी भी आ जाएगी। आइए डॉक्टर साहब, आइए। दामोदर अंदर है, थोड़ी अजीब सी हालत हो गई उसकी, आप घबराइएगा मत। डोंट वरी श्यामली जी, मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे मरीजों से निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ। बस मुझे आपका डर है, आप उनसे दूर ही रहिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पर थोड़ा आराम से, मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? श्यामली जी मैं हूँ ना, और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। दामोदर, दामोदर, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मेरा सामान कहाँ भेज रहे हो तुम? श्यामली जी ये बीमार हैं, आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं बीमार? सामान? देखो देखो श्याम, मेरी बात सुनो, शांत हो, शांत हो, इधर बैठ, बैठो बैठ। तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। हाँ, मैं तुम्हारा प्लान समझ गई, मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाहते हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। श्यामली सुनो, मेरा कोई प्लान नहीं है। एक मिनट सुनो मेरी बात ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भेजना चाहता हूँ और ना इस घर से, और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारी भलाई के लिए कर। भलाई? तुम मेरी भलाई नहीं चाहते, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो, तुम मेरे साथ तुम कुछ गलत करना चाहते हो। मैं सब समझ गई, तुम्हारे कहने पे सब मेरे दुश्मन बन गए। तुमने ये प्लान सेट किया था? नहीं, मैं सब समझ गई। नहीं, तुम क्यों कर रही हो? तुम इनके साथ मिली हुई हो, तुम भी मारना चाहती हो? तुम मारोगी मुझे? तुम सब मारोगी मुझे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये सब मेरा है, सब मेरा है, ये सब मेरा है। दामोदर तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, लगता है श्यामली में ही कुछ प्रॉब्लम है। दूर हटिए दामोदर जी उससे। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें नहीं समझाना। ये तो मर गया। नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। नहीं, ये सुनकर डर लगती। अगर इस बात को बाहर वालों को पता चलती, इस घर को क्यों खरीदती? बलवंत, इनफ, ये बेकार की बातें करना बंद करो, समझ आई? ऐसी बातों से रूमर्स फैलती है। शीतल बेटा, हम लोग क्या यहाँ रहेंगे? मेरा मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा अगर यहाँ पर आ गई तो। चाची प्लीज, बहुत हो गया, बस करो। खामनी चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? हम यहीं रहेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। और बलवंत तुम? जी मैडम। कल तुम कोई दो कस्टमर लेके आए थे, क्या नाम था उनका? राकेश एंड संजना। उन दोनों को पूछो, उन लोग को डील करनी है कि नहीं। क्या नमक सूंघने से और हंसने से अचानक मौत हो गई दोनों की? ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? सर,
इसी सवाल की वजह से मेरा दिमाग है ना सुबह से गोल 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 घूम रहा है। इस हालत में पहुंचने के लिए बीमार आदमी को कम से कम 40 से 45 दिन लगते हैं और ये दोनों 24 घंटे में नमक सुनकर हंसते हंसते पहुंच गए, कैसे सर? राकेश नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, ये राकेश और संजना क्या एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, मैंने राकेश के मुंह से कभी भी संजना का नाम नहीं सुना। और सर मैंने भी कभी संजना के मुंह से राकेश का नाम नहीं सुना। अच्छा, मरने से पहले इन दोनों ने कुछ बताया था? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर कोई अजीब बात, या फिर मरने से पहले 24 घंटे में उन लोग कहां गए थे, किसी से मिले थे? सर ऐसा तो कुछ नहीं था, बल्कि कल तो बहुत खुश था वो, एक अच्छी डील फाइनल की थी उसने। डील? कैसी डील? सर वो 10th रोड पे एक हवेली है ना, अब सुपरस्टार शामली की, उसी की डील करने के लिए राकेश कल वहां गया था और ऑलमोस्ट वो हवेली खरीद ही ली थी। रंग महल, राइट? जी जी बिल्कुल। एक मिनट, आप लोग क्या कह रहे हैं? रंग महल तो संजना खरीदने वाली थी और कल ही गई थी वो प्रॉपर्टी की डील के लिए। क्या राकेश और संजना दोनों गए थे रंग महल देखने के लिए? हाँ, राकेश दोपहर में गया था और संजना तो शाम को गई थी। दया, इसका एक ही मतलब हो सकता कि जो कुछ भी हुआ है राकेश और संजना के साथ, ये मरने से पहले ही हुआ है। और फिर ये लोग कहते हैं रंग महल, ये रंग महल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है रंग महल। हेलो, हाय, आई एम शीतल, शामली जी की पोती। ओह, आप पूरा घर देख सकते हैं, सब ठीक लगे फिर हम आगे बात करेंगे। मैं शीतल, मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ और स्पेशली श्यामली जी की आत्मा के बारे में। सो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। आप सबसे पहले मुझे श्यामली जी का कमरा दिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं बलवंत, तुम्हें पूरा घर दिखा दो। अब पूरी घर? आइए मिस्टर करण, आइए प्लीज। दिखाती मैं, आइए। मिस्टर करण, ये कमरा श्यामली जी का होती, तुम अंदर जाती, मैं थोड़ा नीचे काम करके आती, वो थोड़ा काम बाकी रहती, जाना पड़ती। ओके। ब्यूटीफुल, श्यामली जी की बात ही कुछ और थी। ओह, यही है वो खिड़की जहां से श्यामली जी की गिरकर मौत हुई थी। अंकित बाबू, अंकित बाबू, एक बात बोलती मैं, इस बार बात पक्की।
मेरा कमीशन का पैसा तैयार रखती तुम। हाँ बात पक्की। हाँ पिछली बार भी तुमने यही कहा था, याद है ना? तुम्हें ना अपने पैसों की पड़ी है लालची आदमी, और उसे कहाँ छोड़ा है? ऊपर, वो भी मम्मी जी के कमरे में। उसे कुछ हो गया तो? चाची क्या होगा उसको? आपको इतनी बार बोला है कि दादी की आत्मा नहीं है यहाँ पर, समझे आप? जी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया, ये घर मैं ही खरीदूंगा। That's great. आपको पता है ना हम इसे कितने में बेच रहे हैं? जी बिल्कुल, आप इसके लिए 50 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं, सो मुझे मंजूर है। लेकिन लेकिन जी मेरी वाइफ को एक बार ये घर दिखा दे, उसे भी पसंद आ जाए तो डील फाइनल। हाँ हाँ क्यों नहीं मिस्टर करण, जरूर जरूर। लेकिन आप कब तक दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को ये घर? आप कौन? अजय। अरे अरे एक मिनट सुनिए, अरे आप हैं कौन और ऐसे कैसे आप चली आ रही हैं घर के अंदर? अरे कोई जवाब तो दीजिए। हेलो खूबसूरत है, मैंने सुना है हमारी प्यारी श्यामली का घर बिकने वाला है, बेडरूम्स कहाँ है, कौन दिखाएगा? एक्सक्यूज मी, हेलो आप हैं कौन मैडम? मेरा नाम गीतांजलि है और मैं ये घर खरीदने आई हूँ। लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने? ना 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 मैं नहीं जानती। हाँ हेलो, मैं इधर का ब्रोकर होती, पार्टी मैं लाती, तुम हो ना थी और इधर क्यों आती? देखिए मैम, हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप भी घर खरीद निकले यहाँ पे आने वाले हैं। अरे ऐसे कैसे खरीद लेगी आप घर? इस घर को मैं खरीद रहा हूं, ये घर बिकने के लिए मार्केट में है और जब तक पेमेंट ना हो जाए इसे कोई भी खरीद सकता है। पैसे लाए हो तो? नहीं लेकिन देने वाला हूं। देने वाला हूं मैं, पैसे लेकर आई हूं, और अगर मैंने एक बार सोच लिया कि ये घर मैं खरीदूंगी मतलब मैं ही खरीदूंगी। मिस शीतल अभी तक ये डील कैंसिल नहीं हुई, इसका मतलब कि ये घर मैं खरीद रहा हूं। तुम नहीं मैं, समझे तुम? बेटा जरा अंदर आओ, देखो ये लोग मुझे ये घर खरीदने नहीं दे रहे हैं। अरे रे अब क्या पूरा खानदान आएगा इस घर को देखने के लिए? मामा हम लोग यहाँ पे रहेंगे, कितना फड़ाक है ये। ये आपका बेटा है क्या? क्या ये भी घर देखेगा? क्यों देखेगा, ये घर मैं खरीद रहा हूँ। क्योंकि मैं मम्मा का पंटी हूँ और अगर मम्मा ने कहा है कि वो एक घर खरीदेंगी मतलब वही खरीदेंगी, है ना मम्मा? हाँ बेटा, देखा मेरा राजा बेटा है ये। देखिए बोलो। वन मिनट टू वेट, ये हमारा घर है और हम डिसाइड करेंगे कि किसे देना है और किसे नहीं। करण, अब आई मीन मिस्टर करण, आप घर जाइए, वील कॉल यू। शीतल जी हद हो गई है ये। ए, 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 उधर किधर जाती है ये? नो ए रुकिए रुकिए। मामा देखो देखो कितना बड़ा कॉरिडोर है, हम लोग तो यहाँ पे पकड़ा पकड़ी भी खेल सकते हैं।
बंटी बेटा संभाल कर। अरे मेरी बात सुनते ही। अरे कहाँ है आप? अरे कहाँ जा रही है? एक्सक्यूज मी, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है। मैडम तो बताइए ना। अरे क्या बताऊँ, कितना घूम रहे हैं ना। तो ना मम्मी जी भी पूरी अपनी जिंदगी में नहीं घूमी होगी। हाँ जितना ये घूम घूम के देख रहे हैं। कितना बड़ा कमरा है। मम्मा इतना बड़ा बेड, मैं इसमें अकेला सोऊंगा? हाँ बेटा। ये क्या है? अरे वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ विंडो है। अरे मम्मा विंडो, आप उसे कहिए ना कुछ टच ना करे। और कितने कमरे हैं यहाँ पे? मैं सारे कमरे देखूंगा। कुछ भी नहीं करेगा वो। अरे लेकिन आप लोग उसे रोकते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ पे नहीं जा सकते। एक्चुअली इसकी छत गिरने वाली है, इसीलिए रास्ता बंद किया गया है। और वैसे भी यहाँ पे पुराने फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपने बाकी लोगों को ये जगह दिखाई थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बताया ना कि इसकी छत गिरने वाली है। ओ मामा, मामा, बहुत बड़ा घर है ये। ये कमरा भी मैं देखूंगा। अरे बंटी बेटा, बंटी बेटा, एक मिनट रुक जाती। बंटी बेटा, बंटी बेटा, हाँ मामा। अरे बंटी बेटा, इतना बड़ा दरवाजा भी है इधर। बंटी बेटा, यहाँ पे दरवाजा है तो इसके पीछे भी कुछ होगा ना, जैसे टॉय रूम और वीडियो गेम का रूम, मैं खेलूंगा। बंटी बेटा, बंटी बेटा, मैं मना करती तो तुम आगे नहीं जाती। ओके बेटा, ठीक है। हाँ मम्मा ने कहा कि इस घर में सब कमरे देखो, और मम्मा ने कहा तो मैं तो देखूंगा। और अंकल, मम्मा ने ये भी कहा कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। अब स्ट्रेंजर कैसा बेटी है? अरे बेटा मैं आती। अरे बेटा संभाल कर। अरे कैसा बेटी है? अरे रुके रुके, अरे अरे परेशान मत करो, अरे अरे गिर जाएगा। अरे आप रोकिए उसे। अरे अरे बाप रे, अंकल इस घर में कितने कमरे हैं? आठ नौ। अरे बाप रे, इसमें अंधेरा क्यों है? डर नहीं लगता? डर लगती मैं किसको बोलती? अरे मेरा मम्मा का जो बड़े ब्रदर है ना, फ्रेडी अंकल, उनको भी भूतों से बहुत डर लगता है, इसलिए ना मैं हमेशा फोन में ना लाइट रखता हूँ। अंकल ये असली तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे काटेगा तो नहीं? कुछ भी नहीं है इधर, क्या करते तुम? मेरे को ना ऐसा कमरे में खेलने को बहुत अच्छा लगता है। इधर कुछ भी नहीं, उधर क्या देखती तुम? हाँ अंकल कुछ भी नहीं है। हाँ। मम्मा कहाँ है? मुझे मम्मा से मिलना, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मम्मा, मेरे मामा कहाँ है? हेलो अंकल। मामा मुझे बहुत भूख लगी है, चलो कल चलते हैं। हाँ हाँ चलते, मैं गाड़ी में बैठता हूँ। ओके तो डील पक्की, हम कल आकर पैसे दे देंगे। बट आपके बाकी के कस्टमर्स जितने भी पैसे दे रहे हैं ना, उससे 1-2 करोड़ हम ज्यादा ही दे देंगे। सॉरी बेबी मैं लेट हो गया। क्यों, रंग महल में शामली की फिल्म दिखाई जा रही थी क्या? तुम्हें तो पता है ना एसपी रोड पर काफी ट्रैफिक रहता है, सो लेट हो गया। खैर छोड़ो, गुड न्यूज ये है कि हम रंग महल खरीद रहे। अच्छा,
बस तुम एक बार देखकर फाइनल कर दो, दैट्स इट। बट करण, जरूरत क्या है इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की? और 50 करोड़ कम नहीं होते हैं? क्या हुआ? सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो साइड में लो गाड़ी। करण, तुम ठीक तो हो? करण, 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 क्या हो रहा है तुम्हें? करण, करण, क्या हो रहा है तुम्हें? करण, करण, ये करण की मौत अचानक कैसे हुई? ये भाई साहब हंसते हंसते मर गए। ये गाड़ी चलाते चलाते थे और इस बेचारी ने नमक सूंघ लिया। नहीं, और बॉस, तीनों की मौत का कारण एक, इन तीनों के शरीर के अंगों ने, सारे अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इनकी ऑटोप्सी कर ली, अच्छी तरह से चेक कर लिया, लेकिन कौन सा जहर था, कैसे दिया, कहां पहुंचा, हाथ नहीं आ रहा। लेकिन सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अचानक मर जाए और ये भी ना पता चले कि कैसे मरा? हो सकता है सचिन, एक हालत में ऐसा हो सकता है, अगर इन तीनों के शरीर में कोई ऐसा तेज जहर किसी भी तरीके से पहुंचा दिया जाए जिससे इनकी तुरंत मौत हो जाए, तो ऐसा हो सकता है। फिर तो भाई साहब 10% ही चांसेस हैं कि ये पता लग जाए कि जहर कौन सा था और कैसे पहुंचाया था। सर, ये करण, इसे क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था हमारे सामने। अरे यार, इस करण को और बाकी इन दोनों को भी जहर दिया गया, किसी खाने की चीज में मिला के या फिर इंजेक्ट किया गया, और ये जहर बॉडी में इस तरह से डिसॉल्व हुआ है कि कितने भी टेस्ट करने के बाद पकड़ में ही नहीं आ रहा है। और वो पैकेट जो हमने रंग महल से भिजवाया था, उसमें क्या मिला? वो पैकेट क्या हुआ? अरे का पैकेट लाना जरा। सालों के साहब, अचानक आपको क्या हो गया? इतनी जोर जोर से हंस रहे हो। क्या हो गया? हाँ, ये पैकेट, ये लागना आप लोग, ये पैकेट। बॉस, ये पैकेट में जो है वो गंध वाला पाउडर है, ऐसा पाउडर जिसे पानी में मिला करके इंसान नहाता है, सुगंधित पाउडर जिससे वो हमेशा तरोताजा रहता है, ये है वो। चलो ठीक है, हमारा शक तो दूर हुआ। हाँ, तुम्हारा शक दूर हो गया, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ गई। क्या यार, कुछ भी मिलता है उठा करके ले आते हो, मेरे हाथ में धर देते हो और सोचते हो कि मैं बताऊं तुम्हें रास्ता कि खूनी तक कैसे पहुंचा जाए। माले, नहीं नहीं, आज तक तो इतने सारे केसेस तूने ही सॉल्व किए हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम क्या है, हम तो ऐसे ही है। तो फिर बड़े भैया बता दीजिए, ये केस कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ बताऊंगा ना, ये भी मैं ही बताऊंगा, रुक जाओ सर, बताता हूँ, एक मिनट। केस सॉल्व कर दीजिए। ये सर, ये है क्या? डैंड्रफ। डैंड्रफ नहीं है ये, बुर्दा है। बुर्दा, बुरादा। हाँ वही, सॉरी, बुरादा। अगर ये मेरे हाथ में नहीं होता ना, मैं अब तक दीवारों से सर मार रहा होता। सर, ये क्लू है। और इससे केस सॉल्व करेंगे? सचिन, ये लकड़ा फर्नीचर वाला इन दोनों के सर से मिला है। अरे, लकड़ी का बुरादा इनके बालों में कहां से आया? अरे, कहीं से भी आया हो, पर इससे इनकी मौत कैसे हो सकती है? सर, वो पता लगा लेंगे भाई, लेकिन मैं तुम्हारी तरह पाउडर लेकर के तो नहीं आ गया। कुछ भी ले आते हो और मेरे हाथ में दे देते हो। ठोस सबूत तो दिया है हाथ में। सारुंखे, तेरी छलांग यहीं तक। मतलब? लंबी छलांग हम लगाएंगे, ये केस अब हम सॉल्व करेंगे। देखो, गिर मत जाना। लंबी छलांग लगाएंगे। हाँ, मर गए। जो लोग भी ये रंग महल देखने आए थे, वो सब के सब यहां से निकलने के थोड़ी देर के बाद मर गए। मर गए? जी हाँ। कहा है वो आपका बलवंत? वो एजेंट बलवंत दिख नहीं रहा। अब वो तो अचानक से न जाने कहाँ गायब हो गया। अच्छा, ये बताइए कि जब ये हवेली इतने सालों से बंद थी तो इसकी साफ सफाई और देखभाल कौन करता था? हाँ, वो तो कस्टमर्स को दिखाने के लिए कुछ दिनों पहले बलवंत ने करवाई थी। लेकिन सर, आप लोग हम सब पे क्यों शक कर रहे हैं?
हाँ, क्योंकि वो लोग तो हवेली के बाहर जाके मरे हैं ना। लेकिन उन्हें यहीं पे कुछ दिया गया है। उनके सिर से हमें लकड़ी का बुरादा मिला है। कुछ तो कनेक्शन है इस घर का उन तीनों की मौत से। अच्छा ये बताइए कि करण जब ये हवेली देखने आया था तो उसने कौन कौन सी जगह देखी थी? वो तो सिर्फ दादी जी का कमरा देखना चाहता था, बाकी उसने और कुछ नहीं देखा। दादी का कमरा, यहीं कहीं होगा वो बुरादा। एक एक चीज को अच्छी तरीके से चेक कर लो। सर पे गिरा है मतलब किसी ऊंची जगह पे ही कुछ गड़बड़ है। यहां से बुरादा गिर सकता है, इस पूरे कमरे में यही एक चीज है जो इसमें पॉलिश नहीं होगा। ये नॉब बना हुआ है स्प्रे जैसा है, बाहर निकालो इसे जरा, लेकिन मास्क पहन के। सर इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल या पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से उन सबके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो गए। पर फिर एक्टिवेट कैसे हुआ होगा? ये स्ट्रिंग है ना, लगता है ये ट्रिगर का काम करती है। जैसे ही खिड़की खोलने के लिए इसे कोई खींचता होगा, इसमें से गैस निकलती होगी और आदमी का काम पूरा। तो फिर बुला ले सबको अंदर। नहीं सचिन, सबके सब चौकन्ने हो जाएंगे। खूनी इन्हीं में से कोई है, शीतल, कामनी, अंकित या वो बलवंत। ये सारा रिपेयर इस बलवंत ने करवाया था ना, ये बलवंत सब कुछ जानता है। इस बलवंत का एड्रेस निकालो, फोन ट्रेस करो इस वक्त कहाँ है वो। सर आपको लगता है वो घर पर होगा? अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि हम लोग जान गए हैं कि वो कोई चोर चक्का है, कोई ब्रोकर नहीं, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। गायब तो वो तब से जब से तुम और दया रंगमहल होकर आए हो। देखते हैं यहाँ पे क्या पता चलता है। क्या नंबर था सर? रूम नंबर 3। 3 ना। लगता है निकल गया सर। देखो हमारे लिए कुछ छोड़ा है क्या? पुराने बक्से में नया बैग। सर ये तो काफी महंगा बैग लगता है। कमाल है, बक्से में। सर इतने सारे पैसे? लगता है सर हवेली खरीदने वालों को मारने का मेहनताना है ये। सचिन जरा आसपास पूछो, बलवंत को कौन जानता है? कोई आता था क्या इसे मिलने? चल। अरे भाई साहब सुनो। ए, रुको। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? हाँ? रुको इधर। इधर आओ। यहीं पे रहते हो तुम? बलवंत को जानते हो तुम? साहब मैं वो साहब मेरे एक दोस्त रहता है इधर साहब। साहब मैं उसी से मिलने आया था। साहब बलवंत को ना मैं नहीं जानता साहब। क्या हुआ? चल जब मैं पहली बार हवेली में आई थी
तब एक अजीब सा आदमी जिसकी आंखें सफेद थी और हाथ जला हुआ था, वो हवेली के बारे में डरावनी बातें कर रहा था। रंगमहल क्या करने जाते थे? साहब मैं नहीं जानता रंगमहल साहब। तुम ही हो ना जो हॉरर मूवी वाले वॉचमैन बनके सबको डराते हो? नहीं मैम। बलवंत कहाँ है? हैं? सर सर नहीं मालूम सर। नहीं मालूम? सर बोल। नहीं मालूम तुझे? बोल। सर बताता हूँ मैं बताता हूँ सर सर मैं बताता हूँ सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूँ, मेरा नाम जुगनू है। रंगमहल में अफवाह फैलाना कि भूत है ये मेरा काम था सर, और साहब इसी काम के मेरे को बलवंत ने 30,000 रुपए भी दिए थे। इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा था? साहब वो मैं बलवंत का बैग लेने आया था। बलवंत कहाँ मिलेगा? साहब वो मुझे फोन करेगा, उसने कहा था मेरा बाकी का पैसा जो है वो मुझे एक आदमी देगा जो होटल में है, और साहब उसने मुझे एक नंबर भी दिया था, फोन करने के लिए बोला था पहुंच के। देख बे जुगनो, तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसे बलवंत ने कहा था, लेकिन कैसे करना है वो हम तुम्हें बताएंगे। है? जी सर। इतनी रात को कौन जा रहा है? कमरे में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, हेलो, तेरा ड्रामा समझी? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, पर मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है और मुझे क्यों मारना चाहती है। वो हम जानते हैं। आप ये बताइए, आपकी चाची कामनी और आपका कजन अंकित वो कहाँ है? ये सब क्या है, और आप लोगों ने हमें इस तरह मुजरिमों की तरह क्यों लाइन में खड़ा किया है? क्योंकि खूनी आप लोगों में से ही कोई एक है। सर ऐसा नहीं हो सकता, और क्या सबूत है आपके पास? सबूत है हमारे पास, और एक नहीं दो दो। आइए अंदर आइए। पलवन जी और जुगनो, तो आप तीनों खूनी के लिए काम करते थे, हैं? और वो खूनी है अंकित। क्या हुआ, बोलती बंद?
क्या बात है, कब तक हुआ है? नहीं सर, मैंने बस अभी अभी फोन किया है, आने ही वाला होगा। एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई आ रहा है। इन सबके पीछे ये था? ठीक है चलो। क्या सर, आप असली मुजरिम को छोड़ रहे हैं? हर मुजरिम के दिन आते हैं, इसके भी आएंगे। अंकित, तुमने किया ये सब, लेकिन क्यों? मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना, और तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर, और तुमने? तुम्हारा विश्वास मुझे इस सड़क पर आने से नहीं रोक सकता था। आत्मा का खेल खेल कर एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे तुम। शीतल को भी रास्ते से हटा देते और रंगमहल पे तुम्हारा कब्जा हो जाता, क्यों? हाँ, कि ये तो यूके में रहती थी और ये हवेली ये ऐसे ही पड़ी रहती, लेकिन मुझे ये हवेली चाहिए थी, और उसके लिए शीतल को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। फिर ये रंग महल मेरा होता था, और थोड़े टाइम के बाद मैं इसे बेचकर अपने सारे कर्ज चुका देता। सर बोले तो इसने मुझे भी इस आत्मा वाली लड़की से डराई और बोली इस घर को बिकवाएगी तो मुझे भी कुछ हो जाएगी। हाँ, ऐसों की लालच में अंकित तुम इतना गिर गए कि खूनी हत्यारे बन गए तुम। अब इस जन्म में तो तुम्हें रंग महल नहीं मिलेगा, मिलेगी तो बेरंग काल कोठरी और फांसी का फंदा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।